बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलीशे नूर और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ायदे एक फ्रूट के, जो कि हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है और उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर लोगों को इस फल के फ़ायदों के बारे में नॉलेज हासिल हो जाए तो यकीन करें कि दुनिया से ये फ्रूट ही गुम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। तो ये फ्रूट इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, जो कि आप, अगर मैं ये कहूँ कि आम फलों का बादशाह है तो उसके फ़ायदों से भी ज़्यादा इस फल के फ़ायदे हैं, और वो है पपाया यानी पपीता, जो कि हमारे आसपास की मार्केट्स में, घरों में आसानी मिल जाता है, दस्तयाब होता है। और इसको हम, बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं इसके टेस्ट की वजह से, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मीठा फल नहीं होता। और इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि अगर आपने वज़न कम करना है तो आप पपाया को खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है इसके रिज़ल्ट आपकी बॉडी पर जल्दी से नुमाया हो जाते हैं कि पपाया के वेट लूज़ के लिए आप, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो अगर आप इसको एक टाइम का खाना ना खाएं, सिर्फ पपाया ही खा लें या उसका जूस पी लें, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे कि आपका वेट लूज़ जो है वो तेज़ी से होना, कम होना शुरू हो जाएगा और बहुत देर से बढ़ेगा, इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। सेकंड, आप पपाया से एक होममेड क्रीम बना सकते हैं जिससे आप अपनी स्किन टोन को बहुत ही नेचुरली जो है वो कॉम्प्लेक्शन जो है फेयर कर सकते हैं। पपाया जो है एक नेचुरल, इसमें जो ब्लीचिंग एजेंट्स पाए जाते हैं तो वो हमारे फेस के लिए और हमारी बॉडी के लिए, टॉपिकली अगर आप उसको यूज़ करें या आप इंटरनली यूज़ करें, दोनों ही सूरतों में पपाया के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि अब इसकी क्रीम हम किस तरह से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पपाया है, इसको हमने पीसीज में काट लिया है इस तरह से, इसके छिलके उतार दिए, इसको पील ऑफ कर लिया, इसके पीसीज बना लिए, इसके कुछ पीसीज का हमने इस तरह से पल्प बना लिया है, पपाया पल्प। और मैंने इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं, क्योंकि मिंट की जो तासीर होती है वो, इसका कूलिंग इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने 2 टेबल स्पून ये पपाया पल्प लिया है और हम इसमें ये 1 टेबल स्पून जो है एलोवेरा जेल इसमें डालेंगे इस तरह से। ये चम्मच जो है वो छोटा है इसलिए मैंने इसे इस तरह से यूज़ किया है। तो ये हमने एलोवेरा जेल इसमें यूज़ कर लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से कि एक ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। आप इसमें इस तरह से यूज़ कर लें और अब आप अपने फेस पर आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। ठीक है, ये आपने इस तरह से एक इसकी क्रीम बना लेनी है। ओनली इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट आपने यूज़ नहीं करने, ये आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा और आपकी स्किन को एक बहुत ही शाइनी लुक देगा। और इसी सेम चीज़ को, इसी पल्प को मैंने इस तरह से क्यूब फॉर्म में जो है वो फ्रीज कर लिया था। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से अगर आप इसको फ्रीज कर लेंगे, इसी पपाया पल्प को मैंने जो है वो फ्रीज करके क्यूब की शक्ल में ले लिया था। आप इसको भी अपनी स्किन पर जो है यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप दिन में एक बार, दो बार, इससे क्या होगा, आपकी स्किन जो है ग्लोइंग हो जाएगी, एक्ने रिमूव हो जाएगी। नेचुरल क्लींजर है ये आपके लिए, नेचुरल ब्यूटी एजेंट है, इसमें ब्लीचिंग इफेक्ट पाए जाते हैं नेचुरल। तो ये आप इस तरह से लगा लेंगे और इसको भूल जाएंगे कि आपने कुछ लगाया है, आप अपना काम इसी तरह से करते रहें और ये अपना काम इसी तरह से आपकी स्किन पर करता रहेगा। तो ये हमारी जो थी पपाया क्रीम के फ़ायदे थे, जो आप अपनी स्किन का कलर फेयर करने के लिए डेली यूज़ कर सकते हैं, एज ए डे क्रीम, एज ए नाइट क्रीम, किसी भी तरह से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होता। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आप पपाया को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पपाया जूस बनाने के लिए आपको ये पपाया की ज़रूरत पड़ेगी। आपने इसमें पपाया डाल दिया है इस तरह से। आप चाहें तो इसका मिल्क शेक बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे पानी के साथ भी बना सकते हैं। मैं इसे पानी के साथ ओनली सिंपल ड्रिंक बना रही हूँ पपाया की। इसमें आपने हाफ गिलास या हाफ से थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। ये हमने इस तरह से यूज़ कर लिया, रख लिया है।
अब हम क्या करेंगे कि इसमें आपको, क्योंकि पपाया ऑलरेडी आप ये अपनी डाइट के लिए बना रहे हैं, तो आपने इसको जो है इसमें शुगर ऐड नहीं करनी। आप इसमें 1 टेबल स्पून हनी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो, अदरवाइज़ इसकी भी कोई नीड नहीं है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मीठा पसंद कर रही हूँ कि शामिल हो, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर दिया है। और इस तरह से जो है अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो अब ये हमारा पपाया जूस जो है वो तैयार हो गया है, रेडी। ये देखें ये इस तरह से। अगर आप इसको दिन में एक बार इस जूस पी लेते हैं तो एक हफ्ते में आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और वेट लूज में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है पपाया जूस। टॉपिकली आप एज ए क्रीम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इंटरनली आप एज ए जूस इसको यूज़ कर सकते हैं, और एज ए आप इसको वैसे भी सिंपल फॉर्म में भी डेली खा सकते हैं। तो ये हमारी पपाया की डे क्रीम, और ये हमारा जो है जूस। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो है पपाया क्रीम से हमने क्यूज बनाए थे। अगर आप डेली अपने फेस का मसाज एक बार इससे करते हैं तो यकीनन आपका जो फेस है उसका बहुत ही जल्दी कलर टोन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ये हमारी डे क्रीम या नाइट क्रीम, एज ए नाइट क्रीम या डे क्रीम आप इसको यूज़ कर सकते हैं पपाया क्रीम को, और आप इसको एज ए जूस भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी को का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए। एज ए डाइट ड्रिंक आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और वेट लॉस ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे पपाया के फ़ायदे जो आज मैंने आपसे शेयर किए। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और पसंद करेंगे। अगर आप लाइक करते हैं तो थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।